इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। FATF पर अगर उनकी ऑब्जर्वेशंस की मैं बात करूं, बड़ा काम किया गया। अब क्या FATF के मामले पर आप पुरुमीद हैं, किस हद तक पुरुमीद है कि क्या आप पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगा, इतना काम कर लिया हमने? मुझे अप्रीहेंशंस हैं और मैं ये चाहूंगा कि खुदा करे मेरे अंदाजे गलत साबित हों और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन मुझे ऐसा होता लगता नहीं। ये नहीं कि पाकिस्तान ने काम नहीं किया है, पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, अमेरिका के साथ बहुत तावन किया है और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काम किया है। आपको लगता है कि नहीं निकल सकेंगे, क्या फ्लॉज हैं, क्या कमियां रहेगी, इनको कैसे फिक्स किया जा सकता है, मामला कैसे बेहतर किया? कमियां नहीं रहेगी। अब जो एक सोच में तब्दीली मुझे नजर आ रही है जो बाइडेन की तरफ से, उन्होंने कहा है मैं अफगान जो पीस प्रोसेस था और जो 1 मई को निकलने की तारीख थी और जो मुआहिदा किया गया था, मैं उसको उस पॉलिसी को रिव्यू कर रहा। रिव्यू का मतलब यह है कि जो कमिटमेंट दी गई थी अफगान मुजाहिदीन को कि 1 मई तक तमाम कोलिशन फोर्सेस निकल जाएंगी, जो तकरीबन इस वक्त 8.5 से 12 हजार के करीब हैं, अगर वो नहीं निकलते तो फिर तालिबान का जो रिएक्शन आएगा इसके अगेंस्ट, जो वहां के हालात हो सकते हैं, वो एक नेगेटिव टर्न ले सकते हैं, क्योंकि पहले भी अमेरिका अपनी मोहब्बत में या खुशनुदी में नहीं निकल रहा था, तालिबान ने उसे मजबूर किया था कि वो टेबल पे बैठे और पाकिस्तान वेंट आउट ऑफ द वे और बहुत मेहनत, कोशिश और परसुएशन के बाद तालिबान को टेबल पे बिठाया था। अब अगर अमेरिका और अफगान हुकूमत अपना इरादा बदल रही है तो फिर पाकिस्तान पर दबाव आएगा कि जी नहीं, आपको बहुत और बहुत कुछ करना है और अब आपने तालिबान पर अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, वो सीज फायर कर दें, वो तमाम एक्टिविटीज रोक दें, जो पाकिस्तान कर नहीं सकता है, ये पाकिस्तान के बस में नहीं है। पाकिस्तान चाहेगा कि ये हो जाए, पाकिस्तान ये भी चाहता है अफगानिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान इस बात को भी रियलाइज करता है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन मशरूत है, वहां पर ट्रेड भी बढ़ेगा, तजारत भी होगी, रेफ्यूजीज भी वापस चले जाएंगे, ये तो पाकिस्तान तो चाहता है, लेकिन अगर वहां तालिबान का रिएक्शन आता है तो फिर वो हमें डूम और दोबारा सुनना पड़ेगा जो बाइडेन से, और इस डूम और की चाबी को घुमाने के लिए हो सकता है वो पाकिस्तान को मजीद कुछ अरसा ग्रे लिस्ट में रखें, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा अंदाजा गलत साबित। सही, गहरी बात। हाँ ठीक है जी, गहरी बात आपने की। ठीक है, आगे चलते हैं जनरल साहब। अफगान अमन के हवाले से तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि जी हमें इस बात का अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान किसी फरीक की हिमायत नहीं करेगा। अब भारत को पाक अफगान ताल्लुकात इतने ज्यादा क्यों खटक रहे हैं, इस हवाले से मोदी क्यों इतनी बुखलाहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मोदी ने और अजीत डोवाल ने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था जो अभी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुका है। उनकी हमेशा ये कोशिश रही है और वो बावर कराते रहे हैं दुनिया को हमेशा से कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाता है तो ये तालिबान कश्मीर में आकर मुसलमानों की मदद करेंगे और इंडिया इनसिक्योर हो जाएगा। ये नैरेटिव वो बेचने के लिए हर हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया है। दूसरा, वो समझते हैं कि अगर वहां अमन कायम हो गया तो वहां से बैठकर पाकिस्तान के अंदर जो वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो सीपैक को सेबोटाज करने की कोशिशें हैं, जिस तरीके से वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और BLA की मदद कर रहे हैं आसानी के साथ, वो मदद नामुमकिन हो जाएगी और वो हरबे कामयाब नहीं होंगे। तो इन दो वजूहात की वजह से हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वहां अमन हो, और जो मौजूदा अशरफ गनी गवर्नमेंट है वो चूंकि बेनिफिशरी हैं अमेरिकन इमदाद के, जो $4.5 बिलियन डॉलर्स उन्हें एनुअल मिलती है फोर्सेस के लिए,
उसमें वो इक्तदार के मजे भी ले रहे हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा हाथ में आ रहा है जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होना, तो वो भी चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहता तो बेहतर था, अगर तालिबान आ गया तो ये हमारा काम तो रुक जाएगा। तो ये जो स्टेटस को फोर्सेज हैं ये चाहती हैं कि वो पहले वाले हालात या जिस तरह है अमेरिकन यहाँ बैठे रहें, कुछ ना कुछ निज़ाम चलता रहे, लेकिन तालिबान को हकूमत में शेयर ना देना पड़े। तो ये जो एक कंफ्लिक्टिंग सोच है, और हिंदुस्तान जिस मकसद के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है वो मकसद उनके हाथ से निकल जाएगा, लिहाजा वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाए और इस दहशतगर्दी अगर जारी रहे और अमेरिका ना निकले तो उनके हक में बेहतर है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी, आखिरी सवाल पे मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ ये जो प्रोपेगेंडा भारत का देखने के वतीरा बन चुका है, अब इसको रोकने के लिए बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, बल्कि काबिल जिक्र इकदाम किए जा रहे हैं जनरल साहब, ये सोशल मीडिया पर नफरत इस मवाद के खिलाफ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब भारत की घटिया तरीन हरकत है, सबको पता है, ये बाज नहीं आ रहे, अब तो इनको बाज आ जाना चाहिए क्योंकि दुनिया भर के सामने इनका मकरू चेहरा बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया कि किस तरह ये साजिश करते हैं और किस तरह ये क्या क्या कुछ करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। तो अब भी इनको शर्म नहीं आ रही एक्सपोज होने के बाद भी, जब दुनिया इनको देख चुकी है? देखिए, मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान की और मोरालिटी का तो जिक्र ही ना करें, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत डेंट हुई है, इसमें कोई राय नहीं है कि पूरी दुनिया अब उनकी दुरुस्त बात को भी मानने में देर लगाएगी, क्योंकि उन्होंने इतना झूठ बोला है 15 साल, और जिस तरीके से वो यूरोपियन यूनियन डिस इन्फो लैब वगैरह में एक्सपोज हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, उस एतबार से उनकी क्रेडिबिलिटी तो दुनिया में बहुत डेंट हुई है। लेकिन हमारे पास या दुनिया के पास, बिलखसूस हमारे पास, कोई ऐसा मुअसर टूल नहीं है जिसके जरिए हम ये जो सोशल मीडिया के बड़े नाम हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या ये चीज़ें हैं, इनको रोक सकें, क्योंकि इनके ऑफिसेज हमारे मुल्क में नहीं हैं, इन पर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे बहुत आगे है, तो हमें टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज भी है और इस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल डिसएडवांटेज भी है कि इस अनएडिटेड मीडिया से जो उगले जाने वाला जहर है उसको रोकने के लिए अभी तक हमारे पास कोई मुअसर टूल हमारे हाथ में नहीं है। अब इसका एक ही तरीका है कि यूथ को बाहुनर बनाया जाए, सॉफ्टवेयर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए और बड़ी स्ट्रांग थीम्स बनाकर वो लोग जो सोशल मीडिया में इन, ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा था FATF के बारे में, आपको बता दें FATF की मीटिंग 22 तारीख से शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान को डेफिनेटली अपने आप पे 1% भी विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाएगा। आपको बता दें FATF में दो तरीके की लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट होती है और एक होती है ब्लैक लिस्ट, इन दो में ही देश रहते हैं, इसके अलावा जो लिस्ट रहती नहीं है मतलब आप ब्लैक लिस्ट से बाहर है, जिसे अक्सर लोग वाइट लिस्ट कहते हैं, वाइट लिस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, आपको बता दें ग्रे लिस्ट ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो फ्रॉड मतलब करता है या टेररिज्म के लिए फंडिंग करता है या किसी तरीके से इलीगल मनी यहाँ वहाँ करता है उसके बारे में है। तो पाकिस्तान के मतलब FATF के पास पुख्ता सबूत है कि इसने ये हरकतें की हैं और बैन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ से पैसा आता है, वहाँ से पैसा आता है, मतलब इसके पुख्ता सबूत हैं। तो पाकिस्तान पिछले लंबे समय से ग्रे लिस्ट में है और इसका आरोप पाकिस्तान भारत पर लगाता रहता है, हालांकि पाकिस्तान अपने अंदर कभी नहीं देखता कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान क्यों है। और दोस्तों आपको बता दें अभी भी पाकिस्तान को 1% भी खुद पर विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाएगा। पाकिस्तान अब बोल रहा है कि अमेरिका खुद चाहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहे। अब समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की कन्फ्यूज़न क्या है, पाकिस्तान अपने अंदर खुद सुधार क्यों नहीं करता कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को लगता ही है कि वो मतलब अब ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं या ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। तो
एज अ इंडियन वी वॉन्ट पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का टेररिज्म से बहुत पुराना नाता है और पाकिस्तान के खून में है। मतलब आपने सुना होगा पाकिस्तान का जन्मसिद्ध अधिकार है टेररिज्म, ऐसा कुछ मैं एक वर्डिंग बना रहा हूँ और ये सच भी है, क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में आग लगी रहे, उनको हथियार पहुँचाए, उनको बम पहुँचाए जिससे कि वो आग लगाते रहें और कभी शांति ना आए। तो इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा, आप कुछ भी कर लें इसे ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, ब्लैकलिस्ट होने के बाद इस पर कुछ पाबंदियां लगेंगी तो शायद ये सुधर जाए, मुझे नहीं लगता उसके बाद भी सुधरेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।